हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नेल केयर रूटीन। जी हाँ, आज की वीडियो से आपको आपके नेल्स हेल्दी, ग्रोइंग एंड अट्रैक्टिव बनाने में बहुत हेल्प होने वाली है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में वार्म वाटर ले लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नींबू की कुछ स्लाइसेस। नींबू के रस में विटामिन सी होने के कारण और ये एंटीबैक्टीरियल होने के कारण हमारे नेल्स वाइट करने में बहुत हेल्प करता है। कभी कभी हमारे नेल्स पर येल्लो लेयर आ जाती है, येल्लोइश लगते हैं कभी कभी हमारे नेल्स। तो गाइज, ये सब क्लीन करने में हमें ये नींबू का रस बहुत हेल्प करता है। सो वार्म वाटर में नींबू की स्लाइसेस ज़रूर ऐड कीजिएगा और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह से अच्छे से हमारे नेल्स भी क्लीन कर लेने हैं और हैंड्स भी क्लीन कर लेने हैं। गाइज ध्यान रहे, नाखून आपके तभी सुंदर दिखेंगे जब आपके हाथ भी सुंदर होंगे। सो हाथ भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेने हैं और नेल्स भी अच्छे से क्लीन कर लेने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल उसी तरह से। सो इस तरह से आपको अच्छी तरह से आपके नेल्स को एंड आपके हाथों को वार्म वाटर में अच्छे से सोक कर लेना है। सो गाइज, आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब में और अब में कि हाथ काफ़ी क्लीन लग रहे हैं पहले से। ये बेस्ट प्रोसेस है आपके नेल्स एंड हैंड्स को सोक करने का। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 छोटे चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क आप रॉ मिल्क भी ले सकते हो, आप बॉइल मिल्क भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पैक बनाने में। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसका पैक रेडी कर लेंगे। हमारा पैक बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी कि इसे हाथों पे अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मेरे वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ नाखून सुंदर होना या चमकदार होना ज़रूरी नहीं है, इसी के साथ आपके हाथ भी सुंदर लगने बहुत ज़रूरी है, तभी आपके नेल्स अट्रैक्टिव लगेंगे, तभी आपके नेल्स सुंदर दिखेंगे। हाथों का सुंदर दिखना भी बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से पैक हम अप्लाई कर लेंगे हाथों पे और जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से प्रॉपर तरीके से हमें मसाज कर लेनी है अपने हाथों पे। गाइज ट्रस्ट मी, ये पैक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कभी कभी हमारे हाथों पे रिंकल्स दिखने लगते हैं, ड्राइनेस लगती है या कभी फाइन लाइंस आ जाती है। इन सब चीज़ों के लिए ये पैक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये चीज़ ट्राई करने के बाद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, इसका इफ़ेक्ट आपको कैसे लगा अपने हाथों पे। मैंने मेरे दोनों हाथों पे कर लिया और आप वीडियो में देख सकते हो कि कितने सॉफ्टनेस और कितनी चमक आ चुकी है हाथों पे, आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। इसी के बाद हम लोग करेंगे हाथों का स्क्रबिंग। मैंने यहाँ पे ले लिया है द बॉडी शॉप का स्क्रब। आपके पास जो भी स्क्रब अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम ब्रश की थ्रू यहाँ पे ये स्क्रब क्रीम अच्छे से हाथों पे अप्लाई कर लेंगे और क्रीम अप्लाई करने के बाद हम अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे हमारे हाथों का। स्क्रब करने की वजह से क्या होगा कि हमारे हाथों की जो डेड स्किन है, जो डलनेस है, सारी निकल जाएगी और हाथ हमारे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम हमारे दोनों हाथ का अच्छे से स्क्रबिंग कर लेंगे ताकि हमारे हाथों की डेड स्किन, डलनेस सारी चली जाए और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो हाथ एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। इसी के साथ स्क्रबिंग के अलावा आप एक ये चीज़ भी कर सकते हो, कोलगेट यूज़ करके भी आप आपके हाथों को और नेल्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कोलगेट सॉल्टेड फ्लेवर वाला जो कोलगेट आता है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हम अच्छे से हाथों पे, फिंगर्स पे, नेल्स पे कोलगेट अप्लाई कर लेंगे और अब यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट वाला ब्रश यूज़ करना है जिससे कि हम हमारे नेल्स के अंदर की जो भी गंदगी है वो सारी क्लीन कर सके। आप देख सकते हो ये ब्रश बहुत हार्ड नहीं है, सॉफ्ट वाला ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये वाला ब्रश आपको ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये स्पेशली नेल क्लीनिंग का ब्रश है जो मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से लिया है।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आप भी इस तरह का ब्रश ऑनलाइन लेना चाहते हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप देख सकते हो कितना हैंडी है ये ब्रश और क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, आप देख सकते हो। सो गाइज़, सेम प्रोसेस के साथ हम हमारे दूसरे हाथ को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और यहाँ पे आप खुद वीडियो में देख सकते हो कि कितने अच्छे से मेरे नेल्स क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल वाइट लग रहे हैं। सॉल्टेड फ्लेवर कोलगेट यूज़ करने की वजह से जो भी नेल्स पे पीलापन जमा होता है, डार्कनेस होती है, डलनेस होती है, वो निकलने में बहुत मदद होती है। आप खुद देख सकते हो कि नेल्स काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। सो गाइज़, यहाँ पे और एक बेहतरीन ट्रिक है आपके नेल्स एंड हैंड्स को इंस्टेंटली क्लीन करने का। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का वाटर क्लिंजर। आपके पास जो भी वाटर क्लिंजर है आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो वीडियो में, ये इंस्टेंटली आपके हैंड्स और नेल्स को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वैसे तो जनरली हम लोग वाटर क्लिंजर मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये हैंड्स और नेल्स को क्लीन करने में भी काफ़ी इफेक्टिव है। आप देख सकते हो इंस्टेंटली आपके नेल्स एंड हैंड्स को क्लीन करने में मदद करता है। सो अब बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम। क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी क्यूटिकल्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और अनहेल्दी से लगते हैं। सो क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम लगाने से क्यूटिकल्स सॉफ्ट होते हैं और हेल्दी होने में मदद होती है। सो इस तरह से दोनों हाथों की क्यूटिकल्स पे हम क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम लगा के 5 मिनट तक, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह से हल्का सा मसाज देंगे। इससे होगा ये कि हमारे क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और जो डेड स्किन है, जो डेड क्यूटिकल्स है, वो निकालने में काफ़ी आसानी होगी। सो गाइज, अब आप देख सकते हो कि क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम लगाने की वजह से हमारे जो भी क्यूटिकल्स है वो सॉफ्ट हो चुके थे, तो उस वजह से जो भी ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, वो बहुत आसानी से निकल रही है। बहुत इजी हो जाता है डेड स्किन को निकालना, इसलिए क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम लगाना ज़रूरी है। सो गाइज़, इसी तरह से आपको आपके नेल्स के आसपास की जो भी डेड स्किन है उसको इसी तरह से रिमूव कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह से। इस तरह का किट अगर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप भी इस तरह का किट ऑनलाइन मंगवा सकते हो। सो आप देख सकते हो डेड स्किन तो पूरी निकल चुकी है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेड क्यूटिकल्स को भी रिमूव कर लेंगे नेक्स्ट टूल हमारा यूज़ करके, जो कि हमने क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम यूज़ किया था उस वजह से हमें डेड स्किन और डेड क्यूटिकल्स को रिमूव करने में काफ़ी आसानी हो रही है। इसलिए सॉफ्टनर क्यूटिकल सॉफ्टनर क्रीम लगाना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको डेड स्किन एंड डेड क्यूटिकल्स निकालने में आसानी हो। सो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेड क्यूटिकल्स को भी रिमूव कर लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उस तरह से। बहुत ही केयरफुली आपको स्टेप करनी है। आप देख सकते हो सारे डेड क्यूटिकल्स निकल चुके हैं। सो गाइज, इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप में अब हमको जो हमारे क्यूटिकल्स हैं उनको बैक साइड में पुश करना है। ये वाला प्रोसेस करने से हमारे नेल्स को ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से होता है
और नेल्स हेल्दी होने में मदद होती है। और क्यूटिकल्स को बैक साइड पुश करने से जो भी हम ऑयलिंग मसाज या जो भी हम नेल ग्रोइंग के लिए जो भी हम चीज़ें लगाते हैं वो अच्छी तरीके से स्किन में जाने के लिए भी मदद होती है, और इससे हमारे नेल्स हेल्दी होने में और बढ़ने में और मदद होती है। और एक चीज़ है जो कि क्यूटिकल्स को बैक पुश करने से आप देख सकते हो, नेल्स का लेंथ भी थोड़ा बड़ा दिखता है। सो गाइज, इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हमारे नेल्स में जो भी थोड़ी बहुत गंदगी लगी हुई है वो सारी क्लीन कर रहे हैं। आप देख सकते हो वीडियो में किस तरह से मैं ये टूल यूज़ करके जो भी डेड स्किन अभी निकालते वक्त जो थोड़ी बहुत अंदर रह गई है वो सारी मैं इससे अच्छे से निकाल रही हूँ। और अब हम नेक्स्ट वाली स्टेप में करने वाले हैं, जो भी पीली लेयर आ जाती है कभी कभी हमारे नेल्स पे, या थोड़े डार्क या थोड़े ब्लैकिश दिखते हैं नेल्स, तो ये वाला टूल यूज़ करके हम ऊपर से उन्हें रब करके वो सारी डेड स्किन निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से ऊपर की जो भी डार्क लेयर है नेल्स की वो सारी इस वाले टूल से रिमूव हो जाती है और हमारे नेल्स काफ़ी हद तक वाइट और ज़्यादा वाइट लगने लगते हैं। सो गाइज, इसी तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम हमारे सारे नेल्स का जो भी डार्क लेयर है वो इस तरह से इस टूल को यूज़ करके सारा हम क्लीन कर लेंगे। और आप देख सकते हो वीडियो में इस प्रोसेस के बाद आपके नेल्स और भी ज़्यादा हद तक वाइट लगने लगते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी वाइट लग रहे हैं अब नेल्स पहले से ज़्यादा। और अब इसके बाद बारी है नेल्स को शेप करने की। सो यहाँ पे मैं राउंड शेप कर रही हूँ मेरे नेल्स। राउंड शेप करने के लिए आपको क्या करना है कि नेल्स को दोनों कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा कट करके नेल शेपर यूज़ करके उन्हें प्रॉपर राउंड वे में शेप कर लेना है। ध्यान रहे कॉर्नर्स कट करते वक्त कॉर्नर ज़्यादा क्रॉस कट ना हो, थोड़े थोड़े ही कॉर्नर कट करना है। उसके बाद हमें नेल शेपर का यूज़ करके इस तरह से अच्छे से प्रॉपर वे में नेल्स को शेप कर लेना है। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से नेल फाइलर की हेल्प से मैं अपने नेल्स को अच्छे से राउंड शेप कर रही हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने मेरे दोनों हाथों के नेल्स को अच्छे से शेप कर लिया है। और अगर आपके पास इस तरह का शेप करने के लिए नेल फाइलर नहीं है तो आप इस तरह के नेल बफर्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ईजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। इस तरह के नेल बफर्स यूज़ करके आप आपके नेल्स को अच्छे से शेप कर सकते हो। बफर्स यूज़ करके आप आपके नेल्स को एक वाइटनिंग लुक दे सकते हो। नेल वाइटनिंग के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हो इनको किस तरह से यूज़ करना है, मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा रही हूँ। सो इस तरह के नेल बफर्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे सारा प्रोसेस हो चुका है और अब एट द एंड हम लोग लगाएंगे एक मॉइस्चराइज़र, जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास अवेलेबल है। सबसे लास्ट में हम अपने हाथों पे और नेल्स पे ये मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे ताकि हमारी स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगे और ड्राई ना लगे, इसलिए सबसे लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम। यहाँ पे मैंने नीविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपके हाथ शाइनी लगेंगे, ड्राई नहीं लगेंगे और अट्रैक्टिव भी लगेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने है। जब मैंने वीडियो शुरू किया था तब मेरे हाथ एंड नेल्स कैसे थे और अभी कैसे हैं। सो आप भी इस तरह का डेली नेल केयर रूटीन फॉलो करके आपके नेल्स को काफ़ी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ नेल ग्रोथ के टिप्स देना चाहती हूँ, कुछ नेल ग्रोथ के आइडियाज़ देना चाहती हूँ जिससे आपके नेल्स बढ़ने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिगारो का ऑलिव ऑयल नेल्स ग्रोथ करने में काफ़ी मदद करता है। इससे आपके नेल्स बढ़ने में बहुत मदद होती है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। क्यूटिकल्स पे आपको
ये ऑयल ऑलिव ऑयल लगाना है और धीरे धीरे क्यूटिकल्स पे इसको अच्छे से मसाज देना है, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ उस तरह से। और ये आप रात में ही कीजिएगा ताकि जब आप सोते हो, सोने जाते हो, तो रात भर ये आपके हाथ आपको वॉश नहीं करने हैं। ये ऑलिव ऑयल का मसाज लेने के बाद आपको इनको रात भर ऑयल को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से आपकी नेल्स की क्यूटिकल्स में अंदर स्किन में जाए और आपको नेल्स बढ़ाने में मदद करे। सो आप ये एक ट्रिक ट्राई कर सकते हो जिससे आपको नेल्स बढ़ाने में काफ़ी मदद होगी, फिगारो ऑलिव ऑयल। एंड इसी के साथ साथ एक नेल सीरम है ये, जो होममेड है। इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्ट किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये होममेड नेल सीरम है जो कि आपके नेल्स को वाइट करने में एंड स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। इससे भी आपके नेल्स का ग्रोथ होने में भी बहुत हेल्प होती है। इसको भी आपको इसी तरह से क्यूटिकल्स पे एंड नेल्स पे मसाज ले लेना है एंड रात भर के लिए इसको नेल्स पे छोड़ देना है इस तरह से, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी दिया है, आप लिंक चेक कर लीजिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये होममेड नेल सीरम है, सो ये भी काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होता है नेल्स बढ़ाने में और उनको मजबूत बनाने में। सो आप ये नेल सीरम भी ट्राई कर सकते हैं एंड मसाज आपको काफ़ी अच्छे से करना है, आप देख सकते हो। मसाज आप जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और इसका रिज़ल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा। आपके हाथ, आपके नेल्स, आपके फिंगर्स काफ़ी हद तक आपको इसको यूज़ करने से क्लीन एंड हेल्दी फील होगी, आप जैसे वीडियो में देख रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही। इसी के साथ साथ गाइज, आप विटामिन ई कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हो आपके नेल्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। विटामिन ई कैप्सूल्स भी आपके नेल्स को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत सी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि उनके नेल्स काफ़ी पतले होते हैं जो कि बहुत जल्दी टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, हेल्दी नहीं हो पाते हैं। तो विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ करने से भी आप आपके नेल्स को काफ़ी हेल्दी महसूस करोगे। विटामिन ई कैप्सूल्स को आपको डायरेक्टली इस तरह से ही अप्लाई करना है नेल्स पे, आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, और सेम जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप रात में यूज़ कीजिए ताकि जब आप रात में सोने जाते हो तो रात भर रेस्ट मिल जाता है आपके नेल्स को और ये चीज़ें लगाने का फ़ायदा भी मिलता है। दिन में हम अलग अलग तरह के कामों में होते हैं तो हाथ धोने में, पानी लगने में, ये सब चीज़ें रह नहीं पाती है, इसलिए आप मोस्टली इनको रात में यूज़ करें ताकि ओवरनाइट के लिए आप इनको रख सकें और इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। सो एक विटामिन ई कैप्सूल भी काफ़ी यूज़फुल है, उसका भी सेम उसी तरह से आपको मसाज लेना है और रात भर के लिए इनको फिंगर्स पर इसी तरह से छोड़ देना है और रिजल्ट्स ये आपके सामने हैं। आफ्टर वन मंथ मेरे नेल्स इतने ज़्यादा अच्छे ग्रो किए हैं इन चीज़ों की वजह से और काफ़ी हेल्दी भी है, आप देख सकते हो। सो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।